नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी। भले ही भारतीय जनता पार्टी गौओं के नाम पर गौओं का नारा लेकर सत्ता की कुर्सी हथियाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन सत्ता के नशे में इतना चूर हो गई कि गौओं के लिए जो उन्होंने वादे किए थे वो धरातल पर आज दिखाने का हम काम करेंगे कि किस तरह से जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में बैठने के लिए किए थे उनकी धरातल की तस्वीर हम आपको आज दिखाएंगे। हम पहुँचे हैं कैथल में और कैथल में तमाम सड़कों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गौओं की दयनीय हालत है। आप इसमें तस्वीर आप देख रहे हैं कि सड़कों पर किस तरह से गौओं का झुंड है और झुंड में गौएं किस तरह से दयनीय हालत में दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि इन झुंडों का कारण कौन है? सरकार है, प्रशासन है, या सरकार द्वारा जिन ठेकेदारों को ठेका दिया गया है वो लोग हैं? लेकिन शहरवासियों की जान इन बेसहारा पशुओं की बदौलत कहीं ना कहीं खतरे में नज़र आ रही है, जिसकी ओर ना तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही नगर परिषद ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है। नगर परिषद द्वारा भले ही ठेकेदारों को टेंडर दिया हो कि प्रति बेसहारा पशु को 800 से लेकर 850 रुपये के प्रति पशु के माध्यम से उनको पैसे देने होते हैं, लेकिन एक दयनीय तस्वीर और सामने आई है कि किस तरह से सरकार के पैसे का नुकसान जिला प्रशासन और ठेकेदार करता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये भी बनता है कि इसका जिम्मेवार कौन है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि जो तस्वीर हम आपसे साझा कर रहे हैं उसका जिम्मेवार कौन है? जिला प्रशासन द्वारा भले ठेकेदार को ठेका दे दिया हो आवारा बेसहारा पशुओं को पकड़ने का 800 से 850 रुपये प्रति पशु की दर से, लेकिन जिन पशुओं को गौशाला में छोड़ा गया वो पशु भी आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, उनके कानों में टैग लगे हुए हैं जिनकी जिला प्रशासन भरपाई कर चुका है कि इनकी भरपाई करिए गौशाला में छोड़ दिए गए हैं, लेकिन वो पशु भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? कौन वो व्यक्ति है जो सरकार के पैसे का नुकसान कर रहा है, सरकार के वित्तीय लॉस कर रहा है? या तो जिला प्रशासन के अधिकारी इसमें शामिल है, या ठेकेदार है, या गौशाला वाले हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। लेकिन इस समय की दयनीय स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे कि गौओं की दशा और दिशा सुधारने का काम करेंगे, लेकिन वो दिशा दशा सुधरी है या नहीं सुधरी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो गौएं हैं उनको चारा नहीं मिलता और उस चारे की बदौलत वो किस तरह से जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं उनमें मुंह मारती हुई नज़र आती है, चरती हुई नज़र आती है, किस तरह से पॉलिथीन जो है वो खाती हुई नज़र आ रही है। तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार कब इन बेसहारा पशुओं की और इन गौओं की हालत को सुधारेगा? ऐसी कौन सी वो सरकार होगी, या ऐसा कौन वो व्यक्ति होगा, या कौन वो ठेकेदार होगा, या कौन सी वो गौशाला होगी जो इन गौशालाओं की या इन गौओं की या इन बेसहारा पशुओं की हालत को सुधारेगा? लेकिन सामाजिक संस्थाओं के लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका इस विषय में क्या कहना है, और जो संबंधित विभाग है उनके भी अधिकारियों से जानेंगे कि आखिरकार उनकी ओर से क्या प्रयास किया गया और उस प्रयास को लेकर क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो सरकार का जो पैसा ठेकेदार को दिया गया और ठेकेदार के द्वारा जो बेसहारा पशु हैं उनको गौशाला में भेजना था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उसको लेकर भी अधिकारियों द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इस बारे में भी संबंधित विभाग से जानेंगे। सर, मैं राजू डोहर कैथल से सामाजिक कार्यकर्ता। राजू जी, आपने गौओं को लेकर बेसहारा पशुओं को लेकर धरने प्रदर्शन भी किए हैं, क्या रिजल्ट उसका रहा? देखिए सर, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कैथल में कि आवारा जो जिसको हम आप तो आवारा ही कहते हैं लेकिन ये आवारा नहीं है, हम जिसको अपनी माँ कहकर भी पुकारते हैं गौओं को, वो सड़कों पर अक्सर देखने को मिलते हैं और देखने को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके लिए हमने कई बार जिला प्रशासन को या उनके माध्यम से भी हमने कई बार मिले, लेकिन जब कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो हमने पीछे अप्रैल में ही 2 दिन का धरना दिया था। तो उसके बाद हमारे पास जिला अध्यक्ष भी आए थे बीजेपी के और डी साहब से भी मिले थे, तो उन्होंने एक समस्या रखी थी कि आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, गायें सड़कों पर है, कैथल शहर में 31 वार्ड है, सभी वार्डों में गायें घूम रही हैं, लगभग 1200 से 1300 गायें सड़कों पर हैं कैथल शहर में, कि एक समस्या है, एक सरकारी गौशाला है नंदी गौशाला, उसमें अभी शेड की कमी है और जब वो शेड तैयार हो जाएगा तो ये सभी गाँवों को ठेका के माध्यम से हम वहाँ पहुँचा देंगे। और हमने ये सुनने में आया कि विधायक लीला राम जी ने 31 लाख रुपए नंदी गौशाला में दिए थे और वो पहुंच भी चुके हैं और जिसका शेड बनने के लिए वो पैसे दिए थे और शेड पे काम भी शुरू हो चुका है, हम कई बार नंदी गौशाला में गए हैं, अब शेड बन के तकरीबन तैयार हो चुका है
तो दोबारा फिर हम डीसी साहब को मिले थे। डीसी साहब ने कहा था कि अब शेड बिल्कुल तैयार होने को है और सभी गायों को हम वहाँ पर पहुँचा देंगे। तो फिर हम कमेटी के यू साहब से मिले थे, उन्होंने भी ये कहा कि दिसंबर के लास्ट तक हम सभी गायों को, जितने भी गायें घूम रही हैं, हम उनको पहुंचा देंगे। इन्होंने बीच में काम भी किया था, 2019 में इन्होंने 120 गायों को वहां पर पहुंचाया था, 2021 में इन्होंने सिर्फ 87 गायों को पहुंचाया है। अभी थोड़े दिन पहले जब धरना के बाद इन्होंने 87 गायों को पकड़ कर वहाँ पर पहुँचाया है। लेकिन एक देखने को वाली बात यह भी है कि जो गायें वहाँ पर जाती हैं, जिसको टैग लगता है कि ठेकेदार ने ये गायें वहाँ पर पहुँचा दी, और एक गाय का तकरीबन 500 रुपये के आसपास इनका खर्चा भी है ठेकेदार को जो देते हैं। लेकिन काफ़ी गायें वही सड़कों पर घूम रही हैं, अक्सर देखने को मिलती है हर वार्ड में 5-5 से 10-10 गायें वो भी हैं। लेकिन वो गायें जाती जरूर हैं, क्योंकि गई तो वह जब उसका टैग लगे तो वो जरूर गई है, लेकिन वापसी कैसी आई ये थोड़ा अलग विषय है कि गौशाला उसको तोड़ते हैं। कि आखिरकार जिम्मेवार कौन है? जब सरकार प्रशासन पैसे दे रही है ठेकेदार को, तो जिम्मेवार कौन है? ठेकेदार द्वारा टैग लग चुका है, गौशाला का टैग लग चुका है, फिर भी वो सड़कों पर है। इसमें शायद ठेकेदार तो जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि ठेकेदार ने जो चारदीवारी के अंदर उसको गाय को अंदर भेज दिया, उसको टैग लग गया, तो बाहर निकलने का जो जिम्मेवारी देखो वो तो गौशाला की है। वो गौशाला की जिम्मेवारी बनती है कि गायें बाहर कैसे जा रही हैं, उनको छोड़ रहे हैं या वैसे ही खुला गेट में बाहर निकले, वो जिम्मेवारी गौशाला की बनती है, चाहे वो नंदी गौशाला की कमेटी हो चाहे कोई भी हो। इस व्यवस्था को लेकर प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर, हमने पहले भी कई बार अपील की आपके माध्यम से किया, और आप लोग तो बड़े ही इसको ज़ोर शोर से उठाते हो, रात को भी आप 2-2, 3-3 बजे तक सड़कों पर घूमते हैं, ऐसे दिखाते हैं। फिर हमारी सरकार से यही विनती है, प्रशासन से विनती है, नगर पालिका से विनती है कि जितनी भी गायें हैं शहर में 31 वार्ड में, इन गायों को उनके स्थान पर पहुँचा जाए। अगर आप जो गायें घूम रही हैं अगर उनका ऑपरेशन करके देखें ना, हर गाय के पेट के अंदर से 10-10, 15-15 किलो पॉलिथीन निकलेंगे, चाहे वो सांड हो चाहे वो गाय हो, तो ऐसी अवस्था बहुत ख़राब हो रही है। तो फिर प्रशासन से विनती है कि इन सभी गायों को वहाँ पर शेड बनकर तैयार हो चुका है और वहाँ पर पहुँचाने का काम करें। बेसहारा पशुओं को हम पकड़ करके ठेकेदार के माध्यम से गौशाला में भेज देते हैं और वहाँ गौशाला के जो प्रबंधक हैं उनसे बात करते हैं और रख लेते हैं। इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि आपके द्वारा इस तरह कोई मामला बताया गया तो मैं उस पर बिल्कुल ध्यान करूँगा। इसके साथ साथ हम गौशाला के प्रबंधकों से और उच्चाधिकारियों से मिलके इसको जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा वो हम करेंगे। सर, क्या कुछ ठेकेदार को दिया जा रहा था नगर परिषद के द्वारा गौ बेसहारा पशुओं को पकड़ कर? बेसहारा पशुओं को पकड़ के लगभग जहाँ तक मुझे ध्यान है 800 रुपये है, बाकी मैं देख के बता पाऊँगा सही, तो अभी ज्वाइन किया है जी, तो वो हम उसकी पेमेंट करते हैं। सर, सरकार प्रशासन को जो आपका नगर परिषद है, विधायक का कहना था कि 32 लाख रुपये एक नंदी गौशाला के लिए दिए गए थे, क्या वो नंदी गौशाला के जो 32 लाख रुपये दिए गए उसमें कोई जो गाँव का जो पकड़ने का जो सिस्टम वो नहीं हो सकता सर बजट में कुछ ऐसा? 32 लाख रुपये ज़्यादातर इंफ्रा के लिए खर्च किया गया, इस तरह शेड बनाना है, चारदीवारी है, फट बनाना है, फर्श लगाना है, आमतौर पर ये उस पर खर्च किए जाते हैं। जो डेली के खर्चे हैं, चारा है, लेबर है, उनकी साफ सफाई है वगैरह वगैरह, वो गौशाला के जो प्रबंधक हैं, एनजीओज हैं, समाज सेवी हैं, वो खुद कर रहे हैं। तो कुछ सड़कों पे सर आवारा पशु इतने हैं जो मतलब किसी को भी चोटिल कर सकते हैं, उसके लिए प्रशासन क्या करे? इस तरह के हम बार बार उनको पकड़ते रहते हैं, पशुओं को गौशाला में भेजते हैं, आपके माध्यम से पता चला है कि वो टैग वाले वापस पशु आ जाते हैं, वापस दोबारा बात करके प्रबंधकों से वापस गौशाला में उनको ले जाएंगे। तो सर, इस तरह से कौन जिम्मेवार है? क्योंकि प्रशासन द्वारा पैसे तो दिए जा रहे हैं, लेकिन जो काम के पैसे दिए जा रहे हैं वो काम सही तरह से नहीं हो रहा, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इससे प्रशासन को पैसे की भी हानि जो है वो हो रही है, लेकिन जो काम दिया गया वो सही तरह से हो नहीं रहा, तो इसका जिम्मेवार कौन है सर? इस बारे में जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो बेसहारा पशुओं के लिए सर कितना बजट जो है वो आता है नंदीशाला पहुंचाने के लिए नगर परिषद के पास? इस तरह का कोई बजट फिक्स नहीं है, कई तरह के बजट आते हैं, कई तरह की ग्रांटें आती हैं, उच्च अधिकारी या नेतागण हैं या सरकार की ओर से जब भी ठीक लगे तो अनुदान राशि टाइम टाइम पर देते रहते हैं।